अपन यहाँ पे एक्सेल ओपन कर लेते हैं। एक्सेल में कल हम आपको फाइल मेन्यू बता रहे थे ना, फाइल मेन्यू में हमने आपको न्यू से बताना स्टार्ट किया था। न्यू से लेके आपका यहाँ पर प्रिंट तक के ऑप्शन हो जाते हैं। इतने में किसी को डाउट हो तो पूछ, क्लियर है? क्यों फिर नेक्स्ट रहता है इसमें आपका शेयर। आप शेयर पे क्लिक करते हैं तो इस टाइप से यहाँ पे आपके सामने ओपन होता है। अगर आप इस फाइल से शेयर करना चाहते हैं, जो भी सीट आपने एम एस एक्सेल में बनाई है आप उसे शेयर करना चाहते हो, आप शेयर पे क्लिक करेंगे, यहाँ से अपन उसे शेयर कर सकते हैं। अरे आप ईमेल करना चाहते हैं इनवाइट पीपल, यहाँ से अपन उसे शेयर कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट रहता है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो इस टाइप से आता है आपके पास। आप इसे एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, मतलब अभी किस में है, एक्सेल सीट में है, अपन इसे पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहते हैं। देखिए अभी अपन ने इसमें कुछ लिखा नहीं, अपन यहाँ पे वैल्यू ले लेते हैं, अपन यहाँ पे टेबल टाइप कर देते हैं काम करते। अभी अपन ने इतना यहाँ पे टाइप किया, अब आप इसको यहाँ पे पीडीएफ बनाना चाहते हैं तो आप फाइल पे क्लिक करेंगे, फिर आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, ऑप्शन दे रहा है क्रिएट पीडीएफ, आप क्रिएट पीडीएफ पे क्लिक करेंगे, इस टाइप का डायलॉग उस आपके सामने ओपन होगा। देखिए लिखा आ रहा है पब्लिक एज, पब्लिश एज पीडीएफ, लिखा रहा, अपन इसे पब्लिश कर सकते हैं। अब आप देखिए आपको किस ड्राइव में इसे सेव करना है, आप यहाँ से लोकेशन सिलेक्ट कर लेंगे, अपन एच ड्राइव में सेव कर देते हैं, नाम दे देते हैं एक्सेल सीट। आपने इसे यहाँ नाम दे दिया एक्सेल सीट पीडीएफ। अब जैसे ही आप यहाँ से पब्लिश पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए पब्लिश हो गया, अब किस में ओपन हो रहा है, ये आपका पीडीएफ में हो रहा है। अब आप अभी देखेंगे ऐसे अपन यहाँ से क्लोज कर देते, ठीक है? अभी आपने इसे पब्लिश किया पीडीएफ में तो पीडीएफ आपका ओपन हो रहा है। अपन इसे यहाँ से मिनिमाइज करते हैं, डिस्क पीसी में अपन ने सेव किया था एच ड्राइव में, आपने एच ड्राइव ओपन की, इसमें अपन ने सेव किया था एक्सेल सीट के नाम से, ये है आपने इसे यहाँ से ओपन किया। देखिए एक्सेल सीट में ओपन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं आपको यहाँ पे लाइन देखने को नहीं मिल रही, कॉलम और रो की। चलो हमने आपको बताया था ये रहती है जो अभी आपको एक्सेल में देखने को मिल रही है, ये होती है ग्रिड लाइन, ये ना प्रिंट होती है ना ही आपके पीडीएफ में आई। अब आप ये कॉलम और रो की लाइन भी उसमें शो करना चाहते हैं, आप क्या करेंगे, या तो आप इसमें यहाँ पे बॉर्डर दे देंगे या आप इसे टेबल में कन्वर्ट कर देंगे, अपन इसे कर देते हैं यहाँ से ऑल बॉर्डर, ठीक। अब आप इसे पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे, फाइल मेन्यू पे जाएंगे, एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, अपन क्लिक करेंगे क्रिएट पीडीएफ, तो डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, अपन इसे सेव कर देते हैं जी ड्राइव पे। इसे नाम दे देते हैं यहाँ पे पीडीएफ फाइल, ठीक। अब आपने इसे यहाँ से पब्लिश पे क्लिक कर दिया, देखिए अब ओपन हो रहा है, तो अब आपको यहाँ पे शो हो लो। जब तक आप इसे टेबल में या बॉर्डर नहीं देंगे, जब तक आपको यहाँ पे लाइन शो नहीं होगी, ठीक है? एक्सपोर्ट तो यूज करते हैं, आप इसे जब एक्सपोर्ट करना चाहते हैं पीडीएफ फाइल तब आप यहाँ से इसमें सेलेक्ट कर लेते हैं, और नेक्स्ट रहता है यहाँ पे क्लोज, आप क्लोज करेंगे तो इस टाइप से ओपन होगा। आप इस एम एस एक्सेल को क्लोज करना चाहते हैं, अभी अपन ने सेव नहीं किया, क्या ऑप्शन दे रहा है डोंट सेव। जब आप देखते हैं आपको यहाँ कंट्रोल एरिया शो होता है, इसमें भी आपके यहाँ बटन शो होता है क्लोज, आप इस पर क्लिक करते हो तब भी सेम ओपन होता है। क्लोज करना है अगर आपको सेव करना है तो आप सेव करते हैं, नहीं करना क्या करते हैं डोंट सेव। इतना क्लियर है, इतना भी कोई डाउट? अब अपन यहाँ पे एक्सेल ओपन करते हैं फिर से। फाइल मेन्यू में आपका फर्स्ट इन्फॉर्मेशन वाला बचा हुआ था, इन्फो वाला, आप इन्फो पे जब क्लिक करते हैं, देखिए हमने कल बताया था यहाँ पे आपको पूरी प्रॉपर्टीज शो हो जाती है एक्सेल की। फिर यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं, इसमें से आपके यूज तो रहता है फर्स्ट, यूज के सब रहते हैं लेकिन जो आपको ज्यादा यूज तो रहता है वो रहता है प्रोडेड वर्क। आप इससे ड्रॉप डाउन एरो क्लिक करेंगे, देखिए ये रहता है प्रोडेड वर्क में, ये इंस्पेक्ट वर्कबुक, ये वर्जन रहता है, ये ब्राउजर रहता है। अभी अपन सेलेक्ट कर रहे हैं यहाँ से प्रोटेड वर्कबुक, इससे ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करेंगे, फर्स्ट आ रहा है मार्क एज फाइनल। अगर आप सिर्फ इसे मार्क करना चाहते हैं, देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे मेक इट रीड ओनली, अगर आप सिर्फ इसे रीड करना चाहते हैं तब आप इस पर क्लिक करते हैं, देखिए इस टाइप का डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा है, क्या लिखा है यहाँ पे, दिस वर्कबुक विल बी मार्क फाइनल एज देन सेव। आप पहले से सेव कर दी, आप जैसे ही ओके करेंगे डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, आप इसे किस ड्राइव में सेव करना चाहते हैं, अपन इसे एक ड्राइव में सेव कर देते हैं, क्या नाम दे दें, एट डाल देते हैं, ठीक है? आपने इसे यहाँ से सेव कर दिया। अब आप देखिए जैसे ही आपने इसे ओके किया, इस टाइप से ओपन हो रहा है, देखिए ऊपर लिखा आ रहा है आप सिर्फ इसे
मार्क्स आ सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप एडिट एनी वे पे क्लिक करें, ये नॉर्मल यहाँ पे सीट में आ रहा है। अब आपने इसे यहाँ से क्लोज कर दिया, ठीक है। आप यहाँ पे फिर से एक्सेल ओपन करेंगे। अब आप देखें, आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है अपन ने सेव किया तो रिसेंट फाइल। अब आप इस पर क्लिक कर रहे हैं, देखिए क्या आ रहा है, फिर से सेम आ रहा है। अपन इसे मार्क कर सकते हैं। आप फाइल मेन्यू पे जाएंगे, इन्फो पे जाएंगे, यहाँ से आप प्रोटेक्ट वर्कबुक के ड्रॉप डाउन एरो क्लिक करेंगे, वापस आप इस ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ से ये नॉर्मल हो जाए, क्लियर। उससे मार्क हो जाता है, आप उसे सिर्फ रीड कर सकते हैं। रीड मोड पे लेना चाहते हैं आप ओनली रीड करने के लिए, तब आप उसे वहां से मार्क कर दें, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका इसमें रहता है यहाँ पे ये वाला ऑप्शन, जब आप इसे पासवर्ड देना चाहते हैं, जैसे अभी आपने देखा अपन ने इस फाइल को सेव कर दिया, अब आप इस पे क्लिक करेंगे, इस टाइप का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अपन ने इसे पासवर्ड दे दिया 123, देन आपने इसे यहाँ ओके कर दिया, फिर आपने इसमें पासवर्ड दिया, वही पासवर्ड आप यहाँ पे रिपीट करेंगे। जैसे ही आप ओके करेंगे, देख अब ये सीट आपकी प्रोटेक्ट हो चुकी, अपन ने इसे यहाँ से क्लोज कर दिया। अब आप जब इसे ओपन करेंगे, आप यहाँ पे एक्सेल फिर से ओपन करेंगे, आप जब वही वाली सीट यहाँ पे ओपन करेंगे, देखिए आपने एक के नाम सेव की थी, आप जब इस सीट पे क्लिक करेंगे, पहले इसे सेव कर देते हैं, काम करते हैं, फाइल पे चलते हैं, सेव पे क्लिक करते हैं। अपन ने पहले इसे यहाँ से सेव कर दिया, अब आप इसे यहाँ पे पासवर्ड दे रहे हैं। अब आपने इसे यहाँ से क्लोज किया, ये देखिए अब यहाँ से क्लोज हो गया। अब जब आप इसमें यहाँ पे एक्सेल ओपन करेंगे, देखिए क्लास के नाम से किया, तो आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपसे यहाँ पे पासवर्ड मांगेगा। बिना पासवर्ड के ये सीट आपकी ओपन नहीं होगी। अगर आप पूरी सीट को पासवर्ड देना चाहते हैं, देखिए आ रहा है यहाँ पे प्रोटेक्ट है अपनी सीट। अब आप जब यहाँ पासवर्ड डालेंगे तभी वो सीट आपके यहाँ से ओपन होगी, क्लियर। ये वाले पासवर्ड तो अपन यहाँ से दे देते हैं, आपको सीट प्रोटेक्ट चलना है या वर्कबुक, आपने यहाँ पढ़ा था होम टैब में आता, सेम ऑप्शन आपको यहाँ इन्फो पे मिलते हैं। देखिए यहाँ पे आ रहा है करेंट सीट वर्कबुक, आप इसे यहाँ से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ये ऑप्शन आपको क्या क्या डिलीट करना है आपको। हाँ अगर आपने अभी जो रिसेंट में फाइल आ रही है, फाइल आपने डिलीट कर दी, ओपन पे चलते हैं, ये वाली फाइल आपने डिलीट कर दी, तो फिर आपका पासवर्ड चला गया ना, फिर जब फाइल ही नहीं तो ओपन कैसे करेंगे। नहीं देखिए जैसे कि आपने इसे यहाँ पे क्लोज किया, अगर जैसे हमने यहाँ पे सीट बनाई, हमने उसे पासवर्ड दिया हुआ, पासवर्ड किसके पास है, हमारे पास, तो जब आप वो सीट ओपन करेंगे आपको पासवर्ड ही नहीं पता, तो आप ओपन ही नहीं कर पाएंगे। आप जैसे ये बोल रहे हैं इन्होंने दिस पीसी में सेव किया है, कौन से ड्राइव में सेव किया था, जी में, ये। अब आपने इस पे यहाँ से राइट क्लिक किया, आपने इसे यहाँ से डिलीट कर दिया, तो ये डिलीट तो हो जाएगा आपका, ये डिलीट हो गया आपकी फाइल। लेकिन अगर आप चाहते हैं जब आप इसे ओपन करें वहां पे तो इस फाइल को ओपन ना कर पाए, तब आप वहां से उसे प्रोटेक्ट कर दें, डिलीट तो आपकी फाइल यहाँ से हो जाएगी, ताकि कोई आपकी सीट यहाँ पे ओपन ना कर पाए। देखिए अब क्या बता रहा है, सॉरी वी कुड नॉट, अपन ने डिलीट कर दिया, अब वो सीट आपके पास ही नहीं, तो वो यहाँ से ओपन होगी। अब अपन इसे ओपन कर नहीं सकते, वो सीट तो आपने यहाँ पे डिलीट कर दी, अब सीट ही नहीं बची तो पासवर्ड से क्या करेंगे आप, डिलीट करने पे तो सीट ही चली गई ना। प्रोटेक्ट करने का ये फायदा है, जैसे कि आप देखते हैं आपने यहाँ पे एक्सेल ओपन किया, आपने यहाँ पे कोई भी डेटा तैयार किया, ठीक, अब आपने उसे सेव कर दिया। अब आप चाहते हैं आपके वो सीट कोई भी ओपन ना कर पाए, तब आप उसे प्रोटेक्ट कर देते हैं। ऐसे तो आप देखते हैं आप फाइल पे जाते हैं, हाँ, अब जैसे आप लोग देखते हैं आप लोग सीट बनाते हैं, फिर आप लोग देखते हैं रिसेंट में आप जब ओपन पे जाते हैं आपकी सीट यहाँ पे देखने को मिलती है। अब आप लोग से यहाँ पे नीचे जब आप कंप्यूटर में वर्क करते हैं सीट देखने को मिलती है। आपने जैसे इस पे क्लिक किया, जैसे अपन ये वाली सीट ओपन कर ले, ठीक, आपने इस पे क्लिक किया, देखिए सीट ओपन हो गई, लेकिन आप चाहते हैं ये ओपन ही ना कर पाए कोई, तब आप इसे पासवर्ड दे देते हैं। फिर नेक्स्ट इसमें आपका रहता है
प्रोटेट करंट शीट, अगर आप करंट शीट को प्रोटेट करना चाहते हैं तब आप इस पर क्लिक करेंगे, इस टाइप का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा।